अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 एंड एग्जीबिशन का बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो चलें आ जाएं आप लोग पेज नंबर 22 पे। एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आंसर दीज क्वेश्चंस। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप। मिस्टर काजी अपनी क्लास को ट्रिप के लिए कहाँ लेकर के, इसका आप आंसर लिखिए। मिस्टर काजी टुक हिज क्लास फॉर अ ट्रिप टू एन एग्जीबिशन। मिस्टर काजी अपनी क्लास को एक नुमाइश दिखाने के लिए ट्रिप पर लेकर गए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास, वेयर डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर। मिस्टर काजी ने अकबर से क्या पूछा, इसका आप आंसर लिखेंगे। मिस्टर काजी आस्क अकबर व्हाट ही लाइक्ड बेस्ट इन द एग्जीबिशन। मिस्टर काजी ने अकबर से पूछा कि उसे एग्जीबिशन में, नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर को नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिखेंगे, अकबर लाइक्ड पेंटिंग्स द बेस्ट इन द एग्जीबिशन। अकबर को सबसे ज़्यादा तस्वीरें या नक्कूश जो थे वो नुमाइश में पसंद आए। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड व्हाई। रिजवान को नुमाइश में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई और क्यों, उसका आप आंसर लिखेंगे। रिजवान लाइक्ड रॉक्स द बेस्ट इन द एग्जीबिशन। रिजवान को सबसे ज़्यादा चट्टानें पसंद आई, बिकॉज ही हैड नेवर सीन रॉक्स लाइक दोज बिफोर इन हिज लाइफ, क्योंकि उसने उससे पहले इस तरह की चट्टानें अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज सादिक्स हॉबी। सादिक का मशगला क्या था। सादिक्स हॉबी इज कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ द ग्रेट लीडर। सादिक का मशगला था अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें इकट्ठी करना। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी क्या है। तो इसमें आप लोग जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। माई हॉबी इज़, कोई भी आप आगे जो है वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है, गार्डनिंग या रीडिंग बुक्स और वट एवर यू लाइक, ठीक है। तो आप लोग उसमें खुद से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, व्हाई आर एग्जीबिशंस इंपॉर्टेंट। नुमाइश क्यों अहम होती हैं, इसका आप आंसर लिखेंगे। एग्जीबिशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ अस टू शेयर आवर हॉबीज एंड कलेक्शंस विद अदर। नुमाइश इसलिए अहम होती हैं ताकि ये हमें इस चीज़ के लिए इजाज़त देती हैं कि हम अपने मशगले को और अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर कर सकें, उन्हें दिखा सकें, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के पास, यूज सीन्स और फॉर टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। आप लोगों ने सीन्स और फॉर को यूज़ करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अब जो आप लोगों के पास ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के, और इसकी जो है वो अगर आप लोग सेंटेंस की फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैज़ या हैव में से कोई आप वर्ड लगाते हैं, हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है। उसके बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन होता है, उसके बाद आपने सीन्स या फॉर ऐड करना होता है, और उसके बाद जो भी टाइम आपको गिवन होता है उसको आप लोग लगाते हैं। अब जो मेन चीज़ इसमें समझने वाली है वो क्या है, एक पॉइंट है जो आप अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सीन्स और फॉर को यूज़ करना। थोड़ी ट्रिकी सी चीज़ है। अब आप लोगों ने देखना है कि सीन्स और फॉर आप किस किस के साथ यूज़ करते हैं। आप लोग इस टेबल को देखें, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है कि आपका अगर जुमले में मेंशन किया हुआ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई काम जो है वो कब जो है वो शुरू किया, उसका एग्जैक्ट टाइम बताया गया, वैसे 4 o'clock है, ठीक है, मॉर्निंग लास्ट ईयर मंडे, तो ये चीज़ें आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि 1 hour, 1 घंटे से, 2 weeks, 2 घंटों से, 1 year, 1 साल से, ठीक है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम होता है कि आपको ड्यूरेशन बताई जा रही होती है, और पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि आपको टाइम बताया जा रहा था कि आपने ये काम जो है वो उस टाइम शुरू किया या उस टाइम से आप कर रहे हैं। तो जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन होता है तो फिर आप लोग यूज़ करते हैं सीन्स को, ठीक है। अगर पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो तो फिर आप लोग यूज़ करते हैं फॉर को। अब आप इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखें, फिर आपको ये पॉइंट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखिए, माई मदर हैज़ बीन सुइंग क्लॉथ्स - 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आपके पास जो है वो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, सीन्स। मेरी मदर जो है वो सुबह 8 बजे से कपड़े सी रही हैं। नेक्स्ट आपके पास है, नौशीन हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल - 4 years। नौशीन 4 साल से स्कूल जा रही है। अब 4 years जो है वो ड्यूरेशन है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम है, टाइम पीरियड बताया हुआ है 4 साल। तो इसमें आप लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर। माय फ्रेंड हैज़ बीन रीडिंग - 3 hours। मेरा फ्रेंड जो है वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, मुतालिया कर रहा है, तो 3 hours अगेन आपके पास क्या है, टाइम पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इसमें आप फॉर यूज़ करेंगे। आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल - अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह से इस मेज़ पर बैठा हुआ हूँ। तो अब आप लोग देखें, अर्ली मॉर्निंग आपको जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, इसमें टाइम पीरियड मेंशन नहीं है जबकि पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस।
फिफ्थ देखिए, माई फादर हैज़ बिन टेलिंग स्टोरीज फॉर द लास्ट 2 आवर्स. मेरे फादर पिछले 2 घंटों से कहानियाँ सुना रहे हैं. तो अब आप लोग देखें, लास्ट 2 आवर्स, 2 घंटे, ये टाइम पीरियड बताया गया है. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है. पीरियड ऑफ टाइम जब आएगा तो आप इसमें फॉर यूज़ करेंगे. शी हैज़ बिन डूइंग हर होमवर्क - 4 o'clock इन द आफ्टरनून. वो दोपहर 4 बजे से अपना काम जो है वो वर्क का काम कंप्लीट का काम कर रही है. ठीक है, तो अब 4 o'clock, इसमें भी आपको पास जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है. ठीक है, एक्जैक्ट पॉइंट बताया गया कि 4 o'clock से जो है वो काम कर रही है, तो उसमें आप लोग सिंस यूज़ करेंगे. ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों ने जो है वो ज़रा जहन में रखना है कि पीरियड ऑफ टाइम अलग चीज़ है. टाइम पीरियड होते से 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 हफ्तों से, 1 साल से. ठीक है, तो ये पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है. और एग्जैक्ट पॉइंट जब आपको मेंशन कर दिया जाता है कि 8 बजे से, सुबह से, पिछले हफ्ते से, ठीक है, 4 o'clock से, तो इस तरह से आप लोग जब आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन हो तो फिर आप लोग सेंस यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो सी वाला क्वेश्चन है. ठीक है, सी क्वेश्चन में आप लोगों ने करना क्या है, बहुत ईजी है क्वेश्चन. इसकी मैं क्वेश्चन रीड करूँ. फिल इन द ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन. आपको जो है वो नीचे ब्लैंक्स दी गई हैं, उसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है. जैसे आप फर्स्ट वाले में देखें, आप लोगों को सॉरी को अंडरलाइन किया हुआ है. आप लोगों ने क्या करना है, जो भी वर्ड्स अंडरलाइन है उसका ऑपोजिट जो वर्ड बनता है सेंटेंस के हिसाब से, आपने वो ब्लैंक के अंदर लिखना है. ठीक है, सबसे पहले आप देखें, ही वॉज डैश वेन हिज कज़न केम बट सॉरी वेन ही लेफ्ट. वो बहुत डैश था जब उसका कज़न आया, लेकिन अब वो बहुत उदास हो गया जब से वो चला गया. तो अब इसका आप ऑपोजिट लिखेंगे हैप्पी. ठीक है, सेकेंड वाला देखिए, फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड डैश अ न्यू वन. फादर अपनी ओल्ड कार को बेचेंगे और डैश करेंगे. अब आप देखिए, सेल जो है उसका मतलब है बेचना, तो बेचने का ऑपोजिट क्या होगा आपके पास, खरीदना. तो आप सेल किस जो है वो सामने ब्लैंक में लिखेंगे बाय, BUY बाय अ न्यू वन. ही टाइड द डैश लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लॉन्ग वन. उसने शॉर्ट लेंथ की जो कॉर्ड थी उसको लॉन्ग वन के साथ जो है वो टाई कर दिया, बांध दिया. अब लॉन्ग अंडरलाइन किया हुआ, लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा, शॉर्ट. ठीक है, तो आप फर्स्ट ब्लैंक में इसमें लिखेंगे शॉर्ट. फोर्थ में देखें, द गर्ल्स वर क्वाइट इन द स्कूल्स बट वेरी नॉइजी आउटसाइड. लड़कियां स्कूल में बहुत ज़्यादा खामोश थी, लेकिन स्कूल से बाहर वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी. अब आपको क्वाइट को अंडरलाइन किया हुआ है, क्वाइट का मतलब है खामोश, तो इसका ऑपोजिट आप क्या लिखेंगे, नॉइजी. फिफ्थ वन देखिए, 5 years ago ही वॉज डैश, नाउ ही इज़ वेरी रिच. 5 साल पहले वो बहुत डैश था, अब वो बहुत ज़्यादा अमीर है. तो रिच का ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, पुअर. सिक्स वन देखिए, माय वॉच वॉज 5 minutes फास्ट यस्टरडे बट इट इज़ डैश टुडे. मेरी घड़ी कल 5 मिनट ज़्यादा तेज थी, लेकिन अब डैश है. तो फास्ट अंडरलाइन किया हुआ है, तो फास्ट का ऑपोजिट आपके पास क्या है, स्लो. तो आप सामने स्लो लिखेंगे. इफ़ यू डैश योर टॉय नोबडी विल बी एबल टू मेंड इट. अगर आप अपना खिलौना तोड़ देंगे तो कोई भी उसको उसकी मरम्मत करने के काबिल नहीं होगा. तो अब आप देखो, मेंट लिखा हुआ है. ठीक है, मेंट का मतलब होता है चीज़ों को सही करना, मुरम्मत करना. और उसका ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, ब्रेक. तो आप इस ब्लैंक में 7th वाले में लिखेंगे ब्रेक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स आप लोगों के पास जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ए, एन और द. अब आप इसको जो है वो ए और एन को आप लोग आमतौर पे जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ यूज़ करते हैं. ठीक है, यानी आप बुक आप बताते हैं, एक किताब, एन एप्पल, एक एप्पल, तो उनके साथ आप यूज़ करते हैं. लेकिन इसको यूज़ करने का एक रूल होता है कि आपके पास जो वावल साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके साथ आप एन यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो आप लोग ए यूज़ करते हैं. वावल आपके पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, तो जो भी वर्ड इस तरह के साउंड दे रहा होगा उसके साथ आप एन यूज़ करेंगे. ठीक है, एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों को क्या होती है कि वो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ए, ई, आई और यू से जो वर्ड शुरू होगा उसके साथ आपने एन लगाना है. ऐसा नहीं है, वावल साउंड जो है वो मैटर करती है. जैसे अगर आप कहते हैं ही इज़ एन एम ए, तो एम ए एम से आप लिख रहे हैं, लेकिन एम उसमें आपकी जो साउंड है वो ए की आ रही है, तो आप उसके साथ भी एन लगाएंगे. ठीक है, तो वावल साउंड्स आपने अपने जहन में रखना है. वावल वर्ड्स के साथ आप एन ए लगाते हैं, जिनकी वावल साउंड के साथ आप एन लगाएंगे, जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ आप जो है वो आ यूज़ करेंगे. यानी वावल्स के अलावा जो बाकी सारे आपके पास अल्फाबेट्स हैं क्या हैं, कॉन्सोनेंट. द यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अगर स्पेसिफाई करना हो किसी खास चीज़ के साथ, या अगर आपके पास जिस भी नाउन के बारे में आप बात करें वो आपको नोन है, आप उसके बारे में जानते हैं. जैसे फ्रंट डोर, आप नाम लिखिए इसको, जाहिर करें कि सामने वाला जो गेट है, तो आपको उस टाइम जो है वो नाउन के बारे में पता है, तो तब आप उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, या किसी को स्पेसिफाई करने के लिए किसी भी नाउन को, तो आप लोग जो है वो आर्टिकल द यूज़ करते हैं. अब आप लोग अपना जो है वो एक्सरसाइज देखिए. माई ग्रैंड मदर लाइक्स डैश फ्लावर्स वेरी मच. मेरी ग्रैंड मदर को वो फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप लोग इसमें लिखेंगे द.
देयर कार डज 150 माइल्स डैश आर, उनकी कार जो है वो 150 मील का सफ़र एक घंटे में तय करती है। आर जो है वो वॉवल साउंड आपको दे रहा है, तो आप इसमें एन लिखेंगे। आई ऑलवेज लिसन टू द रेडियो इन द मॉर्निंग, इसमें आप दा करेंगे। इज़ योर मदर वर्किंग, मैं हमेशा जो है वो सुबह के टाइम रेडियो सुनता हूँ। इज़ योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग, क्या आपकी मदर एक पुरानी ऑफिस की बिल्डिंग में काम कर रही है। तो ओल्ड अगेन आपके पास जो है वो वावल साउंड है, इसके साथ आप लोग एन यूज़ करेंगे। वेयर इज़ द यू एस बी ड्राइव आई लेंड यू लास्ट वीक, वो यू एस बी ड्राइव किधर है जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते उधार दी थी। तो इसमें अब आप लोग देखें उस नाउन के बारे में बात करें जो आपको नोन है, यू एस बी ड्राइव जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते दी थी, तो इसमें आप लोग क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों के पास है ई, यू वेंट विद योर स्कूल टीचर ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अ पार्क, राइट इन सीक्वेंस व्हाट यू डिड ऑन योर लास्ट विजिट टू द पार्क इन द पैराग्राफ। आप जो हैं वो अपने स्कूल टीचर के साथ एक पार्क में ट्रिप पर गई हैं और आपने जो है वो उसमें जो कुछ भी किया उसे आपने एक सीक्वेंस में लिखना है, पैराग्राफ बना के। यूज़ द सीक्वेंस मार्कर, जब आपने सीक्वेंस मार्कर उन्होंने दिए हुए हैं उसी को आपने यूज़ करना है, जैसे फर्स्ट नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स टू राइट अबाउट योर विजिट, यानी आपने अपने विजिट के बारे में लिखना है। तो आपने सबसे पहले जो है वो आप हमेशा जो पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो एक माइंड मैप सेट करते हैं, ठीक है। आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, आप आउटलाइन बना लेते हैं कि आपने ये लाइन जो है वो लिखनी है। तो इसमें उन्होंने कुछ हिंट आपको दिए हैं, जैसे फर्स्ट नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स, इनको तो आपने मस्ट यूज़ करना है, ठीक है। और बाकी फिर जो मटेरियल है वो आपने जो है वो खुद से लिखेंगे, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें बोर्ड में ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कम से कम हो, ठीक है। नहीं रेलिवेंट और द पॉइंट और शॉर्ट सेंटेंसेज होने चाहिए, ये ना हो कि आप लॉन्ग कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेज बनाएं और आप लोगों की मिस्टेक्स हो जाए। जी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। लास्ट फ्राइडे वी वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप टू नासिर पार्क, पिछले जुम्मे हम अपने स्कूल ट्रिप पे नासिर पार्क गए। वी ऑल रोड ऑन द स्कूल बस, हम सब बस पे सवार हुए, ठीक है, राइट के साइड में हम यूज़ हुई है रोड, एंड रीच द पार्क और बाग में पहुँचे। फर्स्ट वी गैदर्ड सम वुड्स एंड बर्न देम टू कुक फूड, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की, उनको हमने आग लगाई ताकि खाना पकाया जा सके। नेक्स्ट द बॉयज़ बिगैन टू प्ले क्रिकेट, उसके बाद लड़कों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, एंड द गर्ल्स बिगैन टू कुक फूड, और लड़कियों ने खाना पकाना स्टार्ट कर दिया इट वॉज़ अ ब्राइट सनी डे, एक बहुत ही रोशन और ऐसा दिन था जिसमें सूरज निकला हुआ था। बट सडनली इट बिगैन टू रेन, लेकिन अचानक से बारिश होना शुरू हो गई। वी टुक शेल्टर अंडर द ट्रीज एंड सैंग सॉन्ग्स, हम लोगों ने दरख्तों के नीचे पनाह ली और गाने गुनगुनाए। आफ्टरवर्ड्स वी एट द कुक्ड आइटम, उसके बाद हम लोगों ने जो पका हुआ खाना था उसको खाया। इट वॉज गेटिंग लेट सो वी केम बैक, बहुत ज़्यादा देर हो रही थी तो हम लोग वापस आ गए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आप लोगों ने लिखना है। स्टूडेंट्स अब आप लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट, अब आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। और इसका जो आप लोगों को कॉपी वर्क करवाया गया क्वेश्चन आंसर्स और पैराग्राफ राइटिंग, वो आप लोगों ने कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।